तो हेलो एवरीवन, मैं रॉनिन आ गया हूँ एक और ओपी सोलो रैंक पुश गेम प्ले के साथ। तो गाइज, बस चार दिन, सिर्फ चार दिन बाद C4S10 आने वाला है और भाई इस बार मैं 100% कोशिश करने वाला हूँ टॉप 5 या फिर टॉप 10 में तो पक्का रहूँ। नए सीजन में तो गाइज इस सीजन से भी ज्यादा कॉम्पिटिशन रहने वाला है, पर फिर भी मैं पूरा कोशिश करूंगा टॉप 5 में रहने का। तो देखो आगे क्या होता है। तो गाइज मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे अगर मैं लास्ट दिन में कॉन्कर जाता हूँ उसके बाद मुझे टाइटल या फिर फ्रेम मिलेगा या नहीं। तो आज की वीडियो में मैं ये वाला डाउट क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। पर गाइज उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार मैं सोलो रैंक पुश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक लाते रहता हूं। और गाइस अगर ये गेम प्ले अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि गाइस वो लोग का भी रैंक पुश में हेल्प हो सके। तो चलो गाइस शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये है पहला मैच और इस मैच में उतरते के साथ इतना गंदा वाला फाइट होता है ना भाई, क्या बताऊं। देखा, उतरते के साथ 3 किल। अभी मेरे पास लूट नहीं रहता इसलिए मैं लूट करने के लिए नीचे उतरता हूँ। मेरा अभी 4 किल हो चुका है। अगर ये नया सीजन रहता ना तो मैं यहाँ से निकल जाता, पर भाई अब तो सीजन एंड ही होने वाला है तो सेफ खेल के क्या ही करूंगा, इसलिए मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। और मैं 3-4 किल करके क्यों निकल जाता हूँ भाई, अभी आप लोग को पता चल जाएगा, बस देखते जाओ। देखा, गॉड लेवल कैंपिंग, इसलिए गाइज मैं अपना रिकॉल कार्ड बचा के रखता हूँ। अगर यही नया सीजन रहता ना तो मैं यहाँ से सिर्फ 4 ही किल करके निकल जाता, फिर मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं रुकता। स्टार्टिंग के बाद बस यहाँ पर कैंपर बसते हैं, ऐसे जगह पे कैंप करके बैठे हुए रहेंगे ना भाई, आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं रहेगा। खैर यहाँ से मरने के बाद मैं सेफ खेलने लगता हूँ। फिलहाल जोन जॉर्जो पुल की तरफ शिफ्ट हो रहा था इसलिए मैं जा रहा हूँ सामने वाला वॉचिंग टावर होल्ड करने के लिए। ये जोन श्रिंक होना स्टार्ट हो चुका है और अगला जोन मेरे से काफ़ी ज़्यादा दूर बन जाता है, इसलिए मैं बग्गी पर स्मोक करके सीधा जोन के लिए निकलता हूँ। छोटे जोन में गाड़ी से रोटेशन देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का काम रहता है, इसलिए गाइस देख लो आप लोगों को भी जोन में कैसे रोटेशन देना है। देखा, इसी तरह आप लोग भी जोन के पहले बिल्कुल एज पर चेक कर लो कोई बंदा जोन के बाहर से तो नहीं आ रहा है, फिर जाकर अच्छा सा कवर देख कर वहाँ पर होल्ड कर लो। अब यहाँ पर सिर्फ 3 ही बंदे लाइव है, एक बंदा जस्ट मेरे सामने ड्रॉप के पीछे है और एक बंदा मेरे लेफ्ट साइड में है। और गाइज यहाँ से ये मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग जाने वाला है, तो बस देखते जाओ। अभी मुझे पिक फायर करना चाहिए था, मैं पूरा बॉडी लेकर बाहर निकल जाता हूँ और वो बंदा मुझे इजीली मार देता है। बस यही छोटा छोटा गलती का अगर मैं ध्यान रखने लगूँ ना तो भाई मैं मैक्सिमम मैच विन निकाल सकता हूँ, पर जल्दी जल्दी के चक्कर में दिमाग से ही निकल जाता है। खैर अब चलो चलते हैं अपने दूसरे मैच की तरफ।
इस मैच में मेरा रिकॉल कार्ड बहुत जल्दी वेस्ट चले जाता है, मैं सिर्फ दो ही किल करके मर जाता हूँ। चलो अब जब तक मैं रिकॉल होकर अपना लोड कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि अगर आप लोग लास्ट दिन में कॉन्कर जा रहे हो तो आप लोग को कॉन्कर का फ्रेम या फिर कॉन्कर का टाइटल मिलेगा या नहीं। तो जिस दिन सीजन एंड होता है ना, उसके बाद आप लोग के पास 2 घंटे का टाइम रहता है। ये सीजन एंड होगा 5:30 AM में और न्यू सीजन 7:30 AM में आएगा, मतलब आपके पास 2 घंटे का टाइम रहेगा। आप लोग को उसी 2 घंटे में जल्दी से अपना 5 मैच कंप्लीट करना होगा, फिर जाके आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा। चलो फिर से फोकस करते हैं अपने गेम प्ले के ऊपर। फिलहाल ये जोन बन रहा था सिवर्णी की तरफ और मैं जा रहा हूँ सामने वाला कंपाउंड होल्ड करने के लिए। और जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ, मुझे पता चलता है यहाँ पर पहले से 2 बंदे हैं। एक बंदा जस्ट मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे है और एक बंदा मेरे सामने वाले घर पे है। देख रहे हो, जब से ये वेब शूटर आया है ना, तो बंदे कहीं पर भी चढ़कर कैंप कर लेते हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना है इस बात का। इस मैच में जोन मुझे जरा सा ही फेवर नहीं करता है, जहां पर भी जा रहा हूँ भाई आगे शिफ्ट हो जा रहा है। चलो भाई अब जाकर जोन मुझे फेवर कर रहा है, बस भाई इसके बाद वाला भी जोन यहीं पर बन जाए तो मैं ये मैच इजिली निकाल सकता हूँ। इस बंदे के पास शॉटगन रहता है, अच्छा हुआ मैं इसे दूर से ही डैमेज दे देता हूँ, वरना भाई अभी मेरा पेटी बनने वाला था। अगला जोन सामने वाले वेयर हाउस पे शिफ्ट हो गया है और अभी भी 4 बंदे ही लाइव है, इसलिए मैं जोन के श्रिंक होने का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही जोन स्टार्ट होगा फिर मैं जोन के साथ ही आगे बढ़ने वाला हूँ। और जैसा कि मैंने अभी तुरंत बताया था कि जब से ये वेब शूटर आया है ना, बंदे कहीं पर भी चढ़कर कैंप कर रहे हैं, तो भाई देखो अभी क्या होने वाला है। देखा भाई, ये बंदा वेयर हाउस के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है। बस भाई नए सीजन में आप लोग को इसी तरह गलती नहीं करना है, आप लोग को ये मान के चलना है बंदा कहीं पर भी हो सकता है। तो चलो गाइज आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये गेम प्ले अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, और शेयर कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग का भी रैंक पुश में हेल्प हो सके। तो चलो गाइज मैं आप लोगों से मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ।